श्रावण मास के समापन के साथ ही भाद्रपद मास प्रारंभ हो जाता है। इसे चतुर्मास का दूसरा मास भी कहा जाता है। आइए जानते हैं भाद्रपद मास के पर्व त्योहार व्रत उपवास के बारे में। भाद्रपद मास हिंदू कैलेंडर में छठवां महीना है, जो भाद्रपद या भादो के नाम से जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद महीने में पूजा पाठ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। धर्मशास्त्र और पंडित बताते हैं कि भादो के महीने में नदियों में स्नान कर गरीबों को दान करना चाहिए। इस साल भाद्रपद मास 20 अगस्त 2024 से प्रारंभ होकर 18 सितंबर 2024 को समाप्त होगी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भादो के महीने में पूजा पाठ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। धर्मशास्त्र और पंडित कहते हैं कि भादो के महीने में नदियों में स्नान कर गरीबों को दान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा नियमित करनी चाहिए, उन्हें तुलसी दल चढ़ानी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। इस महीने मांगी गई हर इच्छा की पूर्ति भगवान श्री कृष्ण करते हैं। भादो के महीने में कई खास तीज त्यौहार व्रत दिवस तिथियां रहती हैं। इस महीने के खास त्योहारों में हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, जैन पर्व, अनंत चतुर्दशी का त्यौहार रहता है। इसी महीने में अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था, अतः इस माह का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। भाद्रपद मास 2024 के व्रत, पर्व, जयंती और उत्सव स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप उसे नोट कर लें।